प्रशस्ति। आज हम ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान करते हैं जिन्होंने अपने जीवन का अधिकतम समय उत्तराखंड के उच्च पर्वतीय ग्रामवासियों के जीवन को बेहतर बनाने और वनों के संरक्षण एवं प्रसार के माध्यम से हिमालय पर्यावरण को बचाने में समर्पित किया है। इनका एक सार्वजनिक व्यक्तित्व रहा है और ये एक गांधी विचारधारा के अनुयायी है जो यह विश्वास करते हैं कि शासन की शक्ति जनता पर निहित करती है। इन्होंने पारंपरिक समाज द्वारा हाशिए में रखे गए लोगों को मुख्यधारा में लाने, महिलाओं को समान प्रतिष्ठा देने और श्रमिकों के गौरव का सम्मान करने के लिए इस शक्ति का इस्तेमाल करने का प्रयास किया। श्री चंडी प्रसाद भट्ट अपने जीवन काल के एक आदर्श पुरुष है। इन्होंने 4 दशकों से भी अधिक समय से स्वयं को उचित प्रतीत होने वाले मुद्दों पर अपने मौलिक विचारों के साथ लगातार राष्ट्र की चेतना को चुनौती दी। गोपेश्वर, जो कि अब उत्तराखंड राज्य में है, के गरीब परिवार में 1934 में जन्म लेने के पश्चात युवा उम्र में ही इनके पिताजी का देहांत हो गया और परिणाम स्वरूप इन्होंने सुचारू रूप से शिक्षा ग्रहण नहीं की। वर्ष 1956 में ये बद्रीनाथ में जयप्रकाश नारायण और मान सिंह रावत के भाषण सुनने के पश्चात सर्वोदय आंदोलन से प्रभावित हुए। इनसे प्रेरणा प्राप्त करते हुए इन्होंने उन सामाजिक मुद्दों को उठाया जिन्होंने समाज को संतप्त किया हुआ था। मदिरापान, महिलाओं की प्रतिष्ठा, अस्पृश्यता और श्रमिकों का शोषण। वर्ष 1964 में उन्होंने श्रमिकों के कौशल को बढ़ावा देने के लिए सशोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की। वर्ष 1970 में अलकनंदा नदी में आई भारी बाढ़ ने क्षेत्र के नाजुक पर्यावरण की संवेदनशीलता की पोल खोल दी, जिससे ये इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि भारी पैमाने में वृक्षों की कटाई से राज्य में प्राकृतिक आपदा की बारंबारता अधिक बढ़ चुकी थी। इस प्रकार वर्ष 1973 में चिपको आंदोलन का जन्म हुआ, जिससे सरकार को पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। विगत 4 दशकों से ये एवं इनके साथी सामुदायिक भागीदारी, विशेष तौर पर महिलाओं एवं युवाओं की भागीदारी के माध्यम से ऊपरी अलकनंदा घाटी के जीर्णोद्धार करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के माध्यम से इनके कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा हुई है। इन्होंने वनों के लिए एक 20 वर्षीय योजना तैयार करने हेतु एक राष्ट्रीय समिति की अध्यक्षता की, जिसकी प्रमुख सिफारिशों को स्वीकार कर दिया है और उन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है। ये पर्वतीय एवं ग्रामीण मुद्दों से सरोकार रखने वाली अनेक एजेंसियों के सदस्य है जो इन्हें समकालीन मुद्दों में सक्रिय एवं लिप्त रखती है और व्यापक रूप से इनकी सलाह एवं विचार मांगे जाते हैं। हिमालय पर्यावरण के संरक्षण, समाज एवं हिमालय क्षेत्र के निवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए इनकी अनेक उपलब्धियों और अद्वितीय योगदान के सम्मान में श्री चंडी प्रसाद भट्ट को राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2017-18 प्रदान किया जाता है।